Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you are fine and doing well. And guys, आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं अपने KPIT के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ. KPIT का जो इंटरव्यू है उसमें टेक्निकल भी हुआ था, HR भी हुआ था एंड मेरे दोनों राउंड्स क्लियर भी हो गए थे. सो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे एंड कैसे आप उन सभी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे आप उन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. सो एंड गाइज, इससे पहले मैंने DXC के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को भी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ. सो उसका भी जो वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड एक्सेंचर के भी कंपनी में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि एक्सेंचर में क्या होता है, टेक्निकल और HR राउंड एक ही साथ होता है. मीन्स एक ही इंटरव्यू में आपसे टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे या फिर HR क्वेश्चन भी. सो वो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे आप आंसर कर सकते हैं, ये सभी चीज़ों को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. तो उस वीडियो का भी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को. सो गाइस, KPIT का जो पैकेज है, KPIT टेक्नोलॉजी का जो पैकेज था वो था 4.5 to 6 LPA. सो इस रेंज में जो भी कंपनीज के इंटरव्यू होते हैं मैक्सिमम, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपसे जो कंप्यूटर साइंस या फिर IT के जो कोर्स सब्जेक्ट्स होते हैं उससे पूछे जाते हैं. अब जैसे कि आपसे हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड कोई भी जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा. सो इंटरव्यू में या तो आपका टेक्निकल इंटरव्यू हो या फिर HR राउंड हो, सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपसे कि इंट्रोडक्शन. तो आप इंट्रोडक्शन में आप वहाँ पे टेक्निकल स्किल अपनी बोलते हैं. सपोज आपने बोला कि आपका टेक्निकल स्किल है जावा या पाइथन या C++. सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो यही बोलते हैं, सी प्रोग्रामिंग बहुत कम स्टूडेंट बोलते हैं आप. मैं और अगर आप सी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पाइथन या फिर जावा या फिर C++, इन तीनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को भी आप साथ साथ प्रिपेयर कर लें. उसके बाद क्या है गाइज, कि इन तीनों लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के लिए, टेक्निकल इंटरव्यू के लिए, क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यू में आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से पूछे जाएंगे. अब सपोज जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम पे मैंने टेक्निकल स्किल में बोला था जावा. सो ये भी हो सकता है कि आपको बोला जाए कि आप उप्स कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करो. मीन सभी चीज़ लाइक इनहेरिटेंस, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, डिटेल में विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल. तो आप इसको ऐसे प्रिपेयर कर ले. तो ये आप कर सकते हैं कि आप एक पेज ले, पेज पे सभी चीज़ों को शॉर्ट में आप लिख लें एंड विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको ये चीज़ गूगल पे मिल जाएगा. फिर आप सभी चीज़ों को याद कर ले. इससे ये बेनिफिट होगा कि अगर आपसे इंटरव्यूअर इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछता या फिर एक साथ बोलेगा कि पूरा उस कॉन्सेप्ट को आप एक साथ एक्सप्लेन करो, तो दोनों टाइप पे अगर आप याद किए रहेंगे तो वहाँ पे आपको हेल्प होगा. उसके बाद उप्स कॉन्सेप्ट में और भी बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हो जाते हैं, जैसे कि सुपर कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं, दिस कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं, फाइनल कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं. और अगर मैं जावा का एग्जाम्पल लूँ तो जावा का जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, लाइक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. तो पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड क्या होता है, मेन क्या होता है. फिर हम यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println या फिर प्रिंट किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए, तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं. तो ये सभी चीज़ों का जो डिटेल में आपको पता होना चाहिए एक वर्ड का, कि पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, कीवर्ड क्या है और पब्लिक वॉइड क्या है, मेन क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए. एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, लाइक उसमें ट्राई कैच आता है, फाइनली आता है, फाइनलाइज कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं. तो ये सब चीज़ें जो जावा के, क्योंकि मैंने टेक्निकल स्किल में जावा चूज़ किया था, सो मेरे से ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे. अगर आप पाइथन भी चूज करेंगे तो पाइथन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया लाइक लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स और उसमें जो स्ट्रिंग से एक दो क्वेश्चन थे उसे पूछे जा सकते हैं आपसे, सेम इन केस ऑफ C++. तो ये तो हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. अब अगर मैं एग्जांपल लूँ DBMS का, तो DBMS में क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, उसमें 1NF, 2NF, 3NF, BCNF ये होते हैं उसके टाइप्स. उसके बाद DBMS में जो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, तो ये सब को आप रिवाइज कर ले एक बार DBMS का. उसके बाद अगर मैं एग्जांपल लूँ, सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं सब्जेक्ट लेता हूँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपसे बेसिक क्वेश्चंस लाइक प्रोसेस क्या होता है, शेड्यूलिंग अल्गोरिदम्स कौन कौन से होते हैं एंड उसमें डिस्पैचर क्या होता है, तो ये सब जो बेसिक क्वेश्चन है इन सबको आप रिवाइज कर ले. फिर आप अगर मैं एग्जांपल लूँ कंप्यूटर नेटवर्क का, तो उसमें आपसे उसमें जितने भी मॉडल्स हैं TCP/IP, UDP, उनके जितने भी लेयर्स हैं लाइक एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर और भी उसके दो तीन टाइप्स हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, तो नेटवर्क्स के बारे में आपको लेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके नेम और इनके बारे में बस एक लाइन का बेसिक क्या क्यों यूज़ करते हैं हम.
उसके बाद आ गया जो इसमें टॉपोलॉजी यूज करते हैं, बस टॉपोलॉजी, मैश टॉपोलॉजी, स्टार टॉपोलॉजी, ये सब हो गया जो कम्युनिटी नेटवर्क के स्टार्टिंग के जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईपी एड्रेसिंग आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक, इतना डिटेल में नहीं, ये सब हो गया। तो ये सब क्या है, कोर सब्जेक्ट्स है, कोर सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरली ये होगा कि प्रोग्रामिंग से आपका जैसे जावा पाइथन चूज किया तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से कवर हो जाएंगे। फिर अगर मैं एग्जांपल लूँ डेटा स्ट्रक्चर का, तो एरेज क्या होता है थ्योरी में, लिंक्ड लिस्ट क्या होता है थ्योरी में, क्यू क्या होता है, स्टैक क्या होता है, ये सब थ्योरी में। और इनके बारे में कोड, अगर अगर इंटरव्यूअर आपसे बोलता है कोड लिखने के लिए भी, तो कोड इतना कोई टफ कोड नहीं होगा, वो कोड आपसे जनरली देंगे लाइक प्राइम नंबर फाइंड करने का कोड हो गया, सिंपल सा फिबोनाची सीरीज हो गया, आर्मस्ट्रांग नंबर हो गया, तो ये सब जो नॉर्मल नॉर्मल सा कोड होता है, लाइक बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, आप जाकर सर्च करेंगे गूगल पे कि कॉमन कोडिंग क्वेश्चंस, तो ये सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि मैक्सिमम कंपनीज में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाएंगे, जो इस लेवल के जो पैकेज होता है लाइक 4.5 LPA, 4 LPA, 5 LPA, 6 LPA। अगर जैसे जैसे पैकेज इंक्रीज होता है, फिर जो डिफिकल्टी लेवल होता है इंटरव्यूज का, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी इंक्रीज होता जाता है। लाइक अगर आप किसी 10 LPA वाली कंपनी में बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे आपसे कोडिंग क्वेश्चन ट्रीज पे या फिर ग्राफ्स पे पूछे जा सकते हैं, तो ये भी चांसेस रहते हैं। तो ये हो गया कि टेक्निकल स्किल्स, अब आप इसको प्रिपेयर कहाँ से करेंगे? तो मेरे इसी चैनल पर जैसे मैंने जावा के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जा चुके हैं, वो सब मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ विद सॉल्यूशन। पाइथन के अपलोड कर चुका हूँ मैं, फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम के मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, और उसको मैं डिटेल में भी अपलोड कर रहा हूँ और शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड कर रहा हूँ, सो दैट कि आपको रिवीजन करने में इजी हो। फिर अभी कुछ टाइम बाद मैं DBMS के भी क्वेश्चंस को अपलोड करूंगा, SQL के अपलोड करूंगा, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और कैसे आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो जावा, पाइथन, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब के वीडियोज आप देख सकते हैं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और फिर अब चलते हैं हम एचआर राउंड के क्वेश्चंस पे। तो एचआर राउंड के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई टेक्निकल नहीं होता है। सपोज वहां पे भी पहला क्वेश्चन होगा इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन को कैसे आप आंसर करेंगे, इस पे भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, एक मैंने प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनाया था एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस का। कुछ 10-12 क्वेश्चंस होते हैं एचआर इंटरव्यूज के, जो कि मैक्सिमम कंपनीज वही क्वेश्चंस पूछती है, उसी क्वेश्चंस को घुमा फिराकर आपसे पूछा जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में कैसे अपने आपको इंट्रोड्यूस करना है, फिर और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है एचआर इंटरव्यू का, वो आपको वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। मैंने सेम पैटर्न को फॉलो किया था और मैं बहुत सारी कंपनीज के एचआर और टेक्निकल इंटरव्यूज क्लियर किए, तो उन सभी आंसर्स को मैंने वहां पे आपके साथ डिस्कस किया है डिटेल में। अब ये पहले इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन में आप मेंशन करते हैं अपने टेक्निकल स्किल को एंड प्रोजेक्ट को, तो फिर आपसे जो एचआर राउंड होगा उसमें आपसे प्रोजेक्ट से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट में टेक्निकल पार्ट नहीं, प्रोजेक्ट में लाइक कि आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया, यही प्रोजेक्ट आपने क्यों बनाया, इस प्रोजेक्ट में जो आपने टेक्नोलॉजी यूज़ किया है आपने ये टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ किया है, आपने किसी और टेक्नोलॉजी में प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाया, फिर आपने प्रोजेक्ट में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, आपने प्रोजेक्ट टीम में बनाया है या फिर लीडरशिप में बनाया है। उसके बाद अगर आपने लीडरशिप में बनाया है प्रोजेक्ट, आप लीडर हैं प्रोजेक्ट में, तो आपने वर्क को कैसे कैसे डिवाइड किया है, क्लियर है। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट सिंगल बनाया या फिर टीम में बनाया, वो भी क्वेश्चन होगा। फिर क्वेश्चन आता है लाइक बहुत सारे कि आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि दो क्वेश्चन आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू होगा उससे पहले आप याद कर ले या फिर कहीं पर लिख के रख ले। पहला क्वेश्चन रहता है कि वॉट इज दैट कंपनी। अब ये KPIT है तो वॉट इज KPIT टेक्नोलॉजी, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए KPIT किस चीज़ पे काम करती है, KPIT के CEO का कौन है, KPIT को कब फाउंड किया गया, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए किसी भी कंपनी का। उसके बाद आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद आप अपने आप को आने वाले 10 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस को कैसे आंसर करने हैं ये मैं डिटेल में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, अभी मैंने आपको बताया। तो उस प्लेलिस्ट को जाकर आप वहां से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, वीडियो शॉर्ट वीडियोस हैं मैक्सिमम 10 मिनट्स का, तो वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप उनको आंसर कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि सपोज बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको जो एचआर के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स को रिकॉल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जिनके थोड़ी इंग्लिश वीक है, तो आप क्या करें उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को लिख लें और आप याद कर लें, सो दैट कि आप इंटरव्यू के टाइम पर इतना पैनिक ना हो और आप क्वेश्चंस को याद किए रहेंगे तो इजीली आंसर कर पाए। एंड गाइस कुछ और ऐसे पॉइंट्स जो आपको इंटरव्यू के दौरान ध्यान में रखना है, जैसे कि एचआर राउंड में आपसे बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं होगा। सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि इन पास्ट कुछ ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया हो, बैड एक्सपीरियंस,
मीन्स आपने बहुत ही लो फील किया हो, कुछ ऐसा डिमोटिवेटेड, तो अगर आपने नहीं भी फील किया होगा ना, आपको ये नहीं बोलना है कि नहीं है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ। आप कोई भी एक सीनेरियो उठा लें कि सपोज आप किसी एक पॉइंट पे आकर ऐसा लग रहा था कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा कुछ, आप कोई भी एक सीनेरियो इमेजिन कर लें, उसको आप एक्सप्लेन करें, एंड फिर आप क्या करें, जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया नेगेटिव कि आपको स्ट्रेस आ रहा था और आप डिप्रेशन में जा रहे थे ऐसा कुछ, तो ये नेगेटिव पॉइंट हुआ। फिर आप नेगेटिव पॉइंट ये जो बोलने के बाद आप फिर ये भी उसमें ऐड करें कि आपने कैसे इन सभी चीज़ों को ओवरकम किया है, तो ये एक बेनिफिट होगा इंटरव्यू के लिए। जैसे कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था कि वॉट आर आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तो स्ट्रेंथ में तो पॉजिटिव है आपके बारे में, फिर जब आप वीकनेस बोलते हैं तो आपको वीकनेस भी ऐसा बोलना है कि वो एक स्ट्रेंथ की तरह हो। जैसे कि मैंने जो वीडियो में डिस्कस किया था स्ट्रेंथ का एंड वीकनेस का, या फिर मैंने सभी इंटरव्यू में यही आंसर किया वीकनेसेस के, कि वीकनेसेस में क्या था कि मैंने जो आंसर उसमें मेंशन किया था कि मैं जब किसी भी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ तो बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसका वीकनेस क्या है कि अब कभी कभी क्या होता है कि सपोज आप टीम में वर्क कर रहे हैं और टीम में आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और सामने वाले जो बंदे हैं, जो आप टीम मेंबर्स हैं, अब प्रोजेक्ट को फिनिश करने का टाइम कम है, बट आपने क्या किया उस चीज़ों को आप डिटेल में एक्सप्लेन करने लगे उन्हें, बट उन्हें सिर्फ ओवरव्यू जरूरी है, तो ये चीज़ तो एक डिसएडवांटेज है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप इस चीज़ को कैसे ओवरकम करेंगे। तो वहाँ पे फिर मैंने मेंशन किया कि इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको कट डाउन करें एंड जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है सिर्फ आप उसी को डिलीवर करें। तो ये एक तरह से नेगेटिव भी नहीं हुआ बट ये एक तरह से वीकनेस भी हो गया, कि ये अगर देखा जाए तो एक तरह से तो ये पॉजिटिव है कि आपको किसी भी चीज़ का डिटेल में पता है एंड आप सामने वाले को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट आपको ये ऐसा टाइम है कि टाइम कम है और आपको वो चीज़ सामने वाले को एक्सप्लेन करना है, तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन है वो अननेसेसरी है, आप उसको कट करें एंड जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है आप सिर्फ वही डिलीवर करें। ये हो गया। फिर आपसे एचआर राउंड में सबसे लास्ट में एचआर आपसे बोलेगा जो इंटरव्यू होगा कि कोई क्वेश्चन आप पूछें इंटरव्यूअर से, तो वहाँ पे आप इस क्वेश्चन को स्किप ना जाने दें, हमेशा कुछ आप कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लें कि इंटरव्यूअर से सर आपका एक्सपीरियंस क्या था, या फिर सर लाइक मैं इस सेलेक्ट होता हूँ तो किस टेक्नोलॉजी पे काम करने का मौका मिलेगा एंड कंपनी का वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, या फिर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इतने सालों में काम करने का, तो कोई क्वेश्चन आप जरूर पूछ लें, आप इस लास्ट क्वेश्चन को खाली ना जाने दें, क्योंकि फिर इंटरव्यू को ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं पूछेंगे तो इंटरव्यू को ऐसा लगेगा कि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों को जानने में, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को जानने में। सो गाइज आई होप कि आपको इस चीज़ क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे KPIT के इंटरव्यूज़ में, टेक्निकल में या फिर HR में, एंड अभी और भी कंपनीज के जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। सो आपको किसी कंपनी का वीडियो चाहिए कि इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं टेक्निकल में, फिर HR में, फिर कैसे उनको आंसर्स करने हैं, या फिर कुछ और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि मैं उन सभी चीज़ों को वीडियो बनाकर आपको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूँ। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इस वीडियो को मेरे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।